और मेरा नाम है उस्मान, मेरा नाम है नमान, और ये होने वाला हमारा ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस आप देख सकते हैं हम यहाँ जामा मस्जिद में आए हुए हैं। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और तारीख में भी ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी मस्जिद है। ये हमारे नवाब सादिक बच्चों के दौर की है, उन्होंने बनवाई। तो गाइस आज हम आपको मस्जिद के अंदर जो जो चीजें हैं दिखाएंगे इसकी। और हाँ, आज आप कहेंगे कि साकी भाई हमारे गुम हो गए हैं, आज उन्हें थोड़ा काम था इसलिए वो नहीं आ सके हमारे साथ। उनके लड़ाई हो रही थी जिसकी वजह से वो सामने खड़े हैं। बस हम उनको छोड़ो यार। I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. एक नीचे जाने का रास्ता है, एक उधर है नीचे जाने का रास्ता, वो आप देख सकते हैं। एक उधर है और यहाँ मस्जिदों की जगह है पड़ी, ये देखें अगर देखा जाए तो। गाइस ये नीचे ये जो बड़े बड़े खुडे हैं ना, नीचे बाजार है मेरे ख्याल में। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं पंखे के। अभी धूप है, कोई भी नहीं है, लेकिन नमाज का टाइम हो चुका है। ये देखें पाँव साइड है, ये नीचे बाजार का एक और रास्ता है। ये बड़े नीचे खुडे हैं, यहाँ बाजार है नीचे, तो मैं आपको नीचे से बाजार भी दिखा दूंगा। और इधर ये देख सकते हैं आप, ये फुल नीचे बाजार है, ये देखो। और ये पंखे हैं, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये ईद नमाज और रियल नमाज हो गई तो पढ़ते हैं, वरना नीचे पढ़ते हैं खुले हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ फुल मस्जिद, ये देख सकते हैं आप। तो चलें मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, पर अंदर से ताले लगे हुए हैं। ये ईद वाले दिन खोलते हैं फुल, जब आवाम ज़्यादा हो, वरना ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है, नीचे पढ़ लेते हैं लोग। तो चलें चल, एक नीचे जाने का रास्ता है, एक उधर है नीचे जाने का रास्ता, वो आप देख सकते हैं। एक उधर है और यहाँ मस्जिदों की जगह है पड़ी, ये देखें अगर देखा जाए तो। गाइस ये नीचे ये जो बड़े बड़े खुडे हैं ना, नीचे बाजार है मेरे ख्याल में। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने बड़े बड़े कूलर लगे हुए हैं पंखे के। अभी धूप है, कोई भी नहीं है, लेकिन नमाज का टाइम हो चुका है। ये देखें पाँव साइड है, ये नीचे बाजार का एक और रास्ता है। ये बड़े नीचे खुडे हैं, यहाँ बाजार है नीचे, तो मैं आपको नीचे से बाजार भी दिखा दूँगा। और इधर ये देख सकते हैं आप, ये फुल नीचे बाजार है, ये देखें। और ये पंखे हैं, यहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। और ये ईद नमाज और रियल नमाज हो गई तो पढ़ते हैं, वरना नीचे पढ़ते हैं खुले हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ फुल मस्जिद, ये देख सकते हैं आप। तो चलें मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, पर अंदर से ताले लगे हुए हैं। ये ईद वाले दिन खोलते हैं फुल, जब आवाम ज़्यादा हो, वरना ये बहुत ही बड़ी मस्जिद है, नीचे पढ़ लेते हैं लोग।
तो चले चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, हम आपको आधी मस्जिद दिखा दिया और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। और तो गाइस ये अंदर से तो नहीं खोलते, जुम्मे की नमाज या ईद की नमाज जब मतलब लोग ज्यादा होना वब खोलते हैं ऊपर। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ भी नहीं था, हमने बहुत मुश्किल से यहाँ पर वीडियो बनाई है आपके लिए सिर्फ। और आप इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें। तो गाइस आप इसके दरवाजे देखें, लकड़ी के दरवाजे, फुल बड़े बड़े दरवाजे हैं और यहाँ पे कबूतर भी मौजूद है हर हर एक दीवार। तो गाइस अगर ये अंदर जाने देते हैं हम आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ईद वाले दिन ये खोलते हैं इंशाल्लाह, ईद वाले दिन आपको दिखाएंगे अंदर से पार्ट टू। तो चले चलते हैं उसकी दिखाते हैं। दरवाजा बीच में घुसने का मस्जिद के अंदर जाने का, और ये देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत। नवाब सादी के दौर में ये मस्जिद तामीर करवाई गई थी, बहुत ही बड़ी बहुत ही खूबसूरत शानदार मस्जिद है ये, आप देख सकते हैं। तो गाइस इसका एक कुंडा देखें आप, हाँ देख सकते हैं फुल्ली मोटा हैवी हैवी बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, प्योर प्योर किस्म का कोई कुंडा है। ये देख सकते हैं सहन बहुत ही बड़ा, ये जब जुम्मे की नमाज होती है या ईद होती है तब यहाँ पे लोग कर देखे। माशाल्लाह इतना बड़ा दिखा दिया जो के बाद ये बेशक। और ये क्या कहते हैं ऊपर की जगह, नीचे अलहदा है, वहाँ पे हर जगह कैमरे लगे और इसके नीचे बाजार है, इसके नीचे बाजार है, हम आपको नीचे से बाजार भी दिखाते हैं। तो चले चलते हैं आपको बाजार दिखाते हैं। और चले एरिया ऊपर एरिया वजू वाला है। और गाइस तो ये फुल कुटाने आ रहे हैं जैसे कि ये असली शक्ल है इनकी, जो कि इम्तियाज मौज की पतंग मिल चुके हैं यहाँ पे, पतंग उड़ाते हैं। और हम घर जाकर पतंग उड़ाऊंगा। और ये ऊपर अलहदा वजू वाली जगह बनाई गई है, नीचे अलहदा वजू वाली जगह। हनुमान भाई हमारा थक के बैठ गया वहाँ, और देखिए सामने देखे अगर आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये थका हुआ कह रहा बस भाई बनाओ। ये हमारी एक शख्सियत, ये सारा दिन थके रहते हैं। आपको दिखा दिया, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। आप ये बताएं आपको हमारे चैनल में कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट वीडियो अच्छी लगी, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए ताकि हम आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाएं। चलो चलें मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।